पहले अखिलेश की भी रही है मायावती की, कोई ना कर पाया परमानेंट रोड पे, किसी ना कर नहीं कर पाया। भैया उसका नाराज है भाई साहब, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है विधायकों को हरा देती है विपक्ष के 4-5 हजार से। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यूपी में जो है इन्होंने 100 सीट तो कब्जा कर ही लिया था बेईमानी से 80 सीटों पर। अच्छा। तो अब भी आने वाले समय भी ऐसी होगा तो कब्जा कर लेती है वो। हाँ, कब्जा कर लेती है। तो बताइए 2024 का विगुल बच चुका है, 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी, सरकार मोदी की बनेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि अब की बार राहुल जो है पलटी मार, चोर गठबंधन कर लो कोई ना जीतेगा, मोदी का गाइस शेर है मोदी। अरे गठबंधन है अब की बार, उसमें केजरीवाल है, ममता बनर्जी। मैंने क्या बोला आपसे, 100 हो जाइयो को 100, मोदी अकेला। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजकुमार नाम है जी। राजकुमार जी, क्या लग रहा है 2024 का विगुल बच चुका है? एक तरफ तो INDIA का गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है यानी कि नरेंद्र मोदी, आपको क्या लग रहा है आपकी बात 2024? 2024 में तो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। आपको क्या काम अच्छे लगे हैं उनके? हाँ, बहुत काम अच्छे हैं। और रोजगार के सवाल पर अगर बात करें, देखो काम तो बहुत हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, जो चीज़ दी गई है जैसे कि PWD वगैरह ये थे, तो उस टाइम पर रोडों का और ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलता हो पाता था। अभी क्या करा मोदी जी ने, सब प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, जहाँ कहीं उसका बेनिफिट हुआ है, थोड़ा बहुत तो नुकसान भी हुआ है उसका। अभी आपको क्या लग रहा है 2024 में जिस तरीके से कह रहा है INDIA का गठबंधन कि अब की बार जो है वो नरेंद्र मोदी को पलटा कर देंगे, कह रहे कि हम बैठेंगे उनको नीचे लाएंगे, हम ऊपर कुर्सी पर हम बैठेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो मानने के तौर पे कि देश में यूपी जो है वो PM पद के लिए मुख्य सीट देने के का काम करता है, और यूपी में करीबन 80 सीटें हैं जैसे, तो 80 सीटों में से ज़्यादातर मैक्सिमम BJP का ही कब्जा रहा है। और हाँ, और अभी भी BJP तो कब्जा तो रहा है। आपको क्या अच्छा लगा है, आप किन कामों से उनसे प्रभावित हुए हैं, आपको क्या काम अच्छे लगे हैं, आप अपने हिसाब से बताइए। काम सबसे बड़ा है तो ये काम है कि रोड अच्छे हो गए हैं। अच्छा, बढ़िया लग रही है आपको चारों तरफ? हाँ, और बताइए। एक दो काम ये है, सड़कें अच्छी हैं, और देखो जैसे माहौल भी सही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? माहौल भी सही है जैसे महिला। क्या नाम हुआ? अजय पाल। अजय पाल जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? INDIA का गठबंधन, फिर NDA का गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी? सरकार तो भैया कब्जा ही मोदी का है, तो मोदी की आएगी, क्योंकि यूपी में जो है इन्होंने 100 सीट तो कब्जा कर ही लिया था बेईमानी से 80 सीटों पर। अच्छा। तो अब भी आने वाले समय भी ऐसी होगा तो कब्जा कर लेती है वो। हाँ, कब्जा कर लेती है, कर लिया कब्जा। हर जगह जो है 4,000 से 2,000 से विधायक हराए और जो है अपने जिता दिए और जो है कब्जा BJP ने हराए। हाँ, BJP ने इस तरीके से घपला करा है और जीत गई 80 सीटें लेकर, ऐसी अब आने वाले समय में करेगी। आपके हिसाब से बदलनी चाहिए क्या सर? बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्या आनी चाहिए अब किसी की भी IX में जाए, लेकिन सरकार हर 5 साल में बदल जानी चाहिए। XYZ से पता नहीं चलेगा ना, पता तो ये है कि भाई कौन मुख्य चेहरा है, कौन कर सकता है। नहीं होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। अब ये देख रहे हो रोडवेज की हालत, ये संविदा कर्मी खड़े हैं सब, ये संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, इनकी संविदा भी जाने वाली है, अब ठेकेदारी में करने जा रहे हैं ये। अब ठेकेदारी आ गई है, ठेकेदारी में जा रहा है, ये क्या करके खाएंगे? हाँ, ये सब विभागों को खाली करते चला जा रहे हैं। कुछ भी नहीं, बहुत काम अच्छे करे हैं पर लेकिन रोजगार के विषय में फेल हो गई है, रोजगार के विषय में फेल है बस, और सब बढ़िया है। कानून व्यवस्था अच्छी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कानून व्यवस्था बाकी सब ठीक चल रहा, लेकिन विभागों को सब जो है खाली करती चली जा रही सब विभाग। हाँ, सब विभाग अब कह रहे ना खाएंगे ना खाने, बिल्कुल ये ठेकेदारी पे आ गए। बताओ ये क्या करेंगे जो संविदा कर्मी है, कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिरंजीत सिंह है। चिरंजीत जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? आने वाले का तो पता नहीं, मगर 20 साल हो गए संविदा में, आज तक संविदा में ही है, रेगुलर का कोई नाम नहीं आया आज तक। अच्छा, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए संविदा में नौकरी करते हुए। अच्छा, तो कौन सी सरकार अच्छी लगी आपको, क्योंकि आपको तो 20 साल हो गए, इनको तो 9 साल ही हुए हैं, पहले 10 साल तो कांग्रेस थी, अब उनका काम कैसा? सरकार तो सभी एक सी लग रही है, मैं तो सरकार तो सभी एक सी नहीं है, कोई अच्छा नहीं। कहीं की बात अगर करी जावे तो संविदा जैसे आप ये पहले अखिलेश की भी रही है मायावती की, कोई ना कर पाया परमानेंट रोड पे, किसी ना कर नहीं कर पाया। भैया उसका नाराज है भाई साहब, कह रहे हैं कि BJP जो है विधायकों को हरा देती है विपक्ष के 4-5 हजार से। ऐसी कोई बात नहीं, वो उसको बात करे अगर EVM की गड़बड़ी क्या कर देती है, कह रहे हैं भाई साहब। देखो कुछ भी कह सकता कोई। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र।
सुरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, सरकार सही काम कर रही है या फिर बदलाव चाहिए आपकी बात? नहीं, सरकार तो काम बढ़िया कर रही है, मगर रोडवेज बैठा दी है यूपी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की रोडवेज बैठा दी है, बिल्कुल बैठ गई। हाँ, क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं है, मामला खराब है। मामला खराब, खराब में भी तो कुछ कमियां बताएंगे तभी तो ठीक होगा ना। चालक परिचालक परेशान है, गाड़ी खराब है, तनख्वाह नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ी और गाड़ी खराब। हाँ जी, मतलब दिक्कतें आती रहती हैं बीच बीच में, ऐसे नहीं बढ़ रहे। मेंटेनेंस का कोई सामान नहीं आया है और जो जितनी भी गाड़ियां हैं कंफर्म 50% अंडरटेकिंग गाड़ी हो चुकी है। अंडरटेकिंग में भी ये है कि रोडवेज का कंडक्टर नहीं मिलेगा, उस पर प्राइवेट का कंडक्टर मिलेगा, प्राइवेट का ही ड्राइवर मिलेगा। अच्छा, ये रोडवेज तो प्राइवेट में गई। मैक्सिमम एक एक परमिट पे चार गाड़ियां जो डग्गामार चल रही हैं, जिनसे हम रोडवेज कर्मियों को सवारियां नहीं मिल पाती। और मुख्य कारण ये भी रहा है कि हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं वो आदेश तो अभी कैसे चलता है आपका वो, मतलब किलोमीटर बेस पे चलता है अभी, सैलरी बेस पे चलता है अभी, चलता है किलोमीटर बेस है, उसमें इन्होंने सैलरी फिक्स कर दी थी, अब उसमें फिक्सेशन भी करा इन्होंने, 14,500 करा, फिर 18,800 करा, उसमें भी इन्होंने जो इस तरह की लेवल बना दिया कि जैसे क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं कोई भी, क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, चीज मैं बोलूंगा, 2016 में फिक्सेशन हुआ था 70,000 रुपए रोडवेज के कर्मचारियों का प्लस होमगार्ड का, होमगार्ड के तनखा 28-29,000 हो गई, रोडवेज विभाग ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा, उसकी आज भी 18,600 तनखा है केवल। मैं 2016 से 24 तक 1,000 रुपए बढ़े हैं फिक्सेशन वालों के, और होमगार्ड के दूने होने को जा रहे हैं, दुगने हो गए। क्या नाम हो भाई साहब आपका? आपके नहीं हुए? बोल रहे हैं आप तो बोलिए भाई साहब, ये तो बोल गए, बाद में बोलेंगे। अच्छा, बाद में बोले सवारियों का अगर कंडक्टर का 50% लोड फैक्टर नहीं आता तब उसमें हमारे ड्राइवर के, चालक और परिचालक के 4,000 रुपए की हर महीने कटौती होती है, राशि होती है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से कह रहे हैं अब की बार, देखिए आपने अपनी समस्याएं रखी हैं जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लगातार देश के विकास की अगर हम बात करें तो विकास कैसा हो रहा है, देश में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके साथ? बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया हो रहा है। क्या क्या विकास आपको अच्छा लगा है जिससे आप प्रभावित हुए हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है? अरे, टीवी में भारत पहले नंबर, टीवी में भारत नंबर पे आने लगो, हर जगह विश्व में नंबर पे आने लगो भारत, ये का कम मान नहीं, नंबर वन पे आने, नंबर वन पे नहीं आता, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे, नंबर पे तो आने लगा, अब से 15 साल पहले कहाँ था, अब से 15 साल पहले कहाँ था। तो मतलब लग रहा है आप, क्योंकि तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, मतलब टाइम लगेगा ये सब व्यवस्था सही करने के, इसीलिए ये सबको ये ज्यादा एक साथ बढ़ाने में गला ज्यादा भींच रहे हैं पब्लिक को, गला ज्यादा भींच रहे हैं पब्लिक का, नहीं दारू का गिलास धरते हुए चलेगा नहीं। अच्छा, हाँ चलेगा, नहीं चलेगा, आप भी रखते हैं गिलास सर पे? सर पे रख लो, गाड़ी के ऊपर रख लो, बोनेट पे छलकता है? नहीं नहीं चलेगा। ये बताइए 2024 का बिगुल बच चुका है, 2024 में किसकी सर? मोदी जी, सरकार मोदी की बनेगी। अच्छा, बोल कह रहे हैं कि अब की बार राहुल जो है पलटी मार, चोर गठबंधन कर लो कोई ना जीतेगा, मोदी का भाई शेर है मोदी, अरे गठबंधन है अब की बार, उसमें केजरीवाल है, ममता बनर्जी। मैंने क्या बोला आपसे, 100 हो जाइयो को, 100 मोदी अकेला, मोदी अकेले नहीं है, उनके साथ भी एनडीए में गठबंधन, तो मोदी के साथ इन्हें थोड़ूंगा 38 से 38। मोदी ने तो बोल दिया संसद भवन में, अकेला ही हूँ मैं, बहुत ही शेर हूँ मैं, तो शेर हूँ और शेर ही रहेगा। ये बताइए आपको क्या काम अच्छे लगे, किन कामों से प्रभावित? तथ्यों पर अगर हम बात करें वो तो सुनी सुनाई बातें होती हैं, आपको क्या काम अच्छा लगा? आपको पता नहीं है नो बताओ? नहीं नहीं आप बताइए ना, मुझे तो सब पता है, हमें भी पता है, बताएंगे तब पता चले, पब्लिक को सब पता है, एक तो बताएंगे तब पता चले ना, पब्लिक खड़ी है ना सब पता कर लो, अभी तो पब्लिक ही है या सांसद वांसद भी पब्लिक है, हम तो बोल रहे हैं काम बढ़िया। आपका क्या नाम? भाई साबेज नाम है, साबेज। साबेज जी क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? भाई इसकी बनेगी मोदी की, मोदी की। वो तो चलो टाइम बताएगा किसकी बनेगी, चाहते किसको है, किसकी बननी चाहिए? इनकी बनेगी, क्योंकि इन्होंने बनेगी भाई साहब वो ठीक है, लेकिन बननी किसकी चाहिए? बढ़िया हो रहा है का? हाँ काम बढ़िया हो रहा है, जबरदस्ती सब कुछ सही कर रखा है इन्होंने, रोड भी सही हो गए हैं। पप्पू की बन जाए, पप्पू की सरकार ना बनेगी। अच्छा, तो काम अच्छे लग रहे हैं जी? क्या काम अच्छे लगे भाई? रोड सब बढ़िया हो रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं हो रही जैसे लड़के पहले कर रहे थे, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, आरोप लगते हैं कह रहे भाई साहब एक समुदाय के साथ लेकर चलते हैं, दूसरों को पीछे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ।